टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। महाराष्ट्र में नागपुर के काटोल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यह ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल है। आज विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्य निष्ठा से भारत की सेवा की। उनकी वीरता और समर्पण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का स्रोत है। उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदम्य भावना को याद करता है। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद अखिलेश यादव शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान में आम चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 19 दिसंबर से चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद लगभग साफ हो गया है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेटेड ऑफिस सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करेंगे। एसडीपी भवन 67 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। यह सूरत शहर के पास खजूर गांव में स्थित है। केरल के मल्लपुरम में एक बड़ा हादसा हो गया है। सबरीमाला तीर्थयात्रियों की बस और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर सहित 5 लोगों की मौत हो गई। बंगाल के उलुपेरिया के पास एक बड़ा हादसा टल गया। हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन के 2 डिब्बे अलग हो गए। सबसे खास बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक ने देश को हिला कर रख दिया है। इस मामले में सभी आरोपियों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी सागर शर्मा ने बताया है कि वह संसद के बाहर खुद को जलाना चाहता था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासनिक अधिकारियों ने 5 भारतीय अमेरिकी सांसदों को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर मुकदमा चलाए जाने की जानकारी दी। गुप्ता पर अमेरिकी में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या के प्रयास की साजिश रचने का आरोप लगा है। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 2 बड़े झटके लगे हैं। वनडे टीम का हिस्सा रहने वाले दीपक चाहर ने अपना नाम वापस ले लिया है। वही टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले मोहम्मद शमी चोट के चलते टीम से बाहर हो गए। थाने के भिवंडी में अज्ञात महिला का जला हुआ शव मिला है। पुलिस ने इस मामले में हत्या और साक्ष्य नष्ट करने का मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नौकरशाह के बेटे ने ठाणे के एक होटल के पास 26 वर्षीय एक महिला को अपनी कार से कुचलने की कथित तौर पर कोशिश की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। ललित पाटिल ड्रग्स मामले में शिवसेना उद्धव गुट की उपनेता सुषमा अंधारी ने सीधे तौर पर राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गलत जानकारी देने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या नीलम गोरे पुणे से है, लेकिन ललित पाटिल के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। शिवसेना यूबीटी के नेता सुधाकर बड़गुजर पर दाऊद गैंग के सदस्य के साथ पार्टी और डांस करने का आरोप लगा है। यह आरोप बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने लगाया है और इस मुद्दे को उन्होंने विधानसभा में भी उठाया। रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस का कप्तान बनना फैंस को रास नहीं आ रहा है। अब मुंबई इंडियंस के चाहने वालों ने टीम के खिलाफ अलग अलग तरह से अपना विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। आईपीएल 2024 के लिए ऑक्शन का आयोजन 19 दिसंबर को दुबई में किया जाएगा। इस बार की ऑक्शन के लिए कुल 333 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 77 खिलाड़ियों की ही किस्मत बदलेगी, जिनमें 30 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। कांग्रेस स्थापना दिवस पर नागपुर में महारैली होगी। 28 दिसंबर को इस महारैली में कांग्रेस के 10 लाख कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य इस महारैली में उपस्थित रहेंगे। एनिमल से रणबीर के सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर संजू को रेस में पीछे कर दिया है। हालांकि कलेक्शन की चाल अब थीमी हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि वीकेंड में एक बार फिर से फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी। बच्चन परिवार बॉलीवुड के सबसे चर्चित परिवारों में से एक है। हमेशा ही परिवार का हर सदस्य लाइमलाइट में बना रहता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी बातें चल रही है जो फैंस को निराश करने वाली है। कहा जा रहा था कि बच्चन परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि ऐश्वर्या बच्चन हाउस से अपने मायके चली गई है।
शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इसी बीच इस फिल्म से जुड़ी एक इनविटेशन वायरल हुई है, जिसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने फेक पता है। प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया के जरिए वायरल इन्विटेशन पर रिएक्ट किया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।